तो आइए आप सेकंड कॉर्नर पर जाना चाहेंगे। और यहाँ पर जो है सुरक्षा गार्ड के लिए जो है बैनर लगा हुआ है और भर्ती के लिए निम्न योग्यता इस प्रकार है, जो कि सारा चीज़ जो है बैनर में दर्शाई गई है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। और वेतन के मामले में बता दें तो यहाँ पे 14,000 से 21,000 जो कि पोस्टिंग के आधार पर दिया जाता है। और सारी चीज़ ये हैं, आइए और सर से भी जानते हैं कि कैसे क्या है नहीं है। तो आइए सर, जाना चाहेंगे सुरक्षा गार्ड की भर्ती है, इसमें कैसे क्या रिक्वायरमेंट है स्टूडेंटों को? जी फोरेस में जो भी विद्यार्थी को तरफ से लंबाई 1.65 चाहिए जी, वजन 50 किलो से 80 किलो बीच में चाहिए उनको जी, जी। मैट्रिक पास चाहिए जी। दूसरा बिहार के बाहर उनको जॉब मिलेगा जी फोरेस में जी, जिनकी सैलरी 14,000 से 21,000 होगा पोस्टिंग आधार पर। हमारे यहाँ प्रशिक्षण होता है 12 दिन का, जिसमें 12 दिन में बच्चे को रहना खाना फ्री है और सारा जो गवर्नमेंट की सुविधा जो एम्प्लॉय को मिलता है, जो जी फोरेस के एम्प्लॉय को भी सुविधा मिलता है। सुरक्षा ड्यूटी 8 घंटा का सर, जैसे 10th पास बच्चे जाते हैं तो उनका सैलरी वगैरह कैसे क्या है? मैट्रिक पास ही का हम लोग बहाली करते हैं, ऊपर उनका डिसिप्लिन पर डिपेंड करता है, वो कितना ऊंचाई तक जा सकते हैं उन पर निर्भर करता है। तो सारी चीज़ मतलब वो वही करवाती है, मतलब जो संस्था होती है जी फॉरेस्ट, जैसे बच्चों को रूम लेने के लिए ये सब? वो पर्सनल लाइफ बच्चे का है, वो पर्सनल का मतलब खुद का? हाँ खुद का है सर। रहने खाना का मतलब ये अलग बंदोबस्त करना पड़ेगा? वहाँ मेस चलता है, मेस का प्रोवाइड अपना बच्चे को खुद से करना पड़ेगा। हमारे यहाँ नौकरी करेंगे उनको पेमेंट मिलेगा, सैलरी मिलेगा। तो सर मेस का भी चार्ज होगा ना? तो इतना मेस का चार्ज लगता है 2,000, 2,500, 3,000, वो स्टेट पर डिपेंड करता है, किस माहौल पर डिपेंड करता है और शहर के पर डिपेंड करता है। सर ये किस स्टेट में निकली हुई है वैकेंसी? साउथ के लिए है, हैदराबाद के लिए। एक और क्वेश्चन है सर आपसे, यहाँ बहुत सारा आए कंपनी, यहाँ पे ITI में बहुत सारे कंपनी आए, बहुत सारे हम लोगों ने ब्लॉगिंग किया, लेकिन सर यहाँ पे कुछ और सैलरी बताया जाता है, लेकिन वहाँ पे जाके यहाँ बताया 14-15 हज़ार मिलेगा, लेकिन वहाँ पे जाके बोलता है 10,000, 8,000 मिलेगा। हमारे यहाँ 26 दिन को PF काट के 14 सैलरी मिलेगा, उससे कम 2600 रुपये PF कटता है 26 दिन का? 26 दिन का कितना कटेगा? PF काट के उनको मिलेगा 14,000 सैलरी। अच्छा, 4 संडे छुट्टी है, 4 संडे छुट्टी, इसका जो पोस्ट वगैरह वो बढ़ता है जैसे? हाँ। वो वैसे जो क्लाइंट है उस पर डिपेंड करता है जी, कैसा वो परफॉर्मेंस कर रहा है। थैंक यू सर, बस आगे सर।